फ्रेंड्स, दिवाली फेस्टिवल पे हर कोई अपने घर बेसन के लड्डू बनाते हैं। बेसन के लड्डू जो है हर किसी के फेवरेट होते हैं। मैंने आज हलवाई स्टाइल में दानेदार बेसन के लड्डू बना के तैयार किए हुए हैं, वो भी मिनटों में। और इस लड्डू को बनाने के लिए मैंने सिर्फ 4 चम्मच घी का यूज़ किया हुआ है। मैं आपको ये लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ कि ये लड्डू जो है कितने दानेदार बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बेसन के लड्डू कितने दानेदार बने हुए हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। और अगर आपको ये बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल कविता की रसोई को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। अब हलवाई स्टाइल में दानेदार बेसन के लड्डू बनाने के लिए हम चलेंगे किचन की ओर। मिनटों में दानेदार बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है 1/2 कप के करीब ये बारीक वाली सूजी। अब इसे हम कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम करके रखा हुआ है और इसके अंदर मैं 1 चम्मच के करीब घी ऐड करूंगी। मैंने ये घर का बनाया हुआ घी यूज किया है इसके अंदर। घर में आप घी किस तरीके से बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे मैंने बहुत सारे लड्डू की रेसिपी अपलोड की है। अभी रिसेंटली ही मैंने मूंग दाल की लड्डू भी अपने चैनल पे अपलोड की है। उस मूंग दाल की लड्डू का आप जरूर बना के तैयार कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट वो लड्डू बन के तैयार होता है। और मूंग दाल के लड्डू जो होते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। जब इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो आप समझिए कि आपका सूजी जो है अच्छे से भून के रेडी हो चुका होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ तो मैं रवे को क्यों भून रही हूँ। हमारे बेसन के लड्डू को दानेदार हमें बनाना है तो उसके लिए हमें उसके अंदर ये सूजी ऐड करना है। यही सूजी जो है हमारे बेसन के लड्डू को दानेदार बनाएगा। जिस तरीके से हलवाई बेसन के लड्डू बनाते हैं उसी तरीके से ये लड्डू बन के तैयार होगा। अब हमारी सूजी अच्छे से भून चुकी है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और सूजी का कलर भी हमारे चेंज हो चुका है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने सूजी को कढ़ाई में से निकाल लिया हुआ है। अब इसके अंदर मैं ये 2 कप के करीब बेसन ऐड करूंगी और गैस का फ्लेम मीडियम करके ही हमें बेसन को अच्छे से भूनना है और इसे हमें कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते हुए भूनना है कि ये तले में लगे नहीं। बेसन जो है बहुत ही पतला होता है तो वो पैन में चिपक सकता है, तो इसीलिए आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। जब तक कि इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू नहीं आ जाती तब तक आपको इसे मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है। और इसके अंदर अभी हम घी ऐड नहीं करेंगे। जब ये अच्छे से भून के रेडी हो जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, सूजी के लड्डू आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैंने सूजी के लड्डू जो है अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। बिना मावा के, बिना चाशनी के मैंने वो सूजी के लड्डू जो है ट्रेडिशनल टाइप में बना के तैयार किया हुआ है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से रवे का मतलब सूजी के लड्डू बनते हैं उसी तरीके से मैंने वो लड्डू बनाया हुआ है। आप उस सूजी के भी लड्डू को इस दिवाली फेस्टिवल पे ट्राई कीजिए। अब हमारा बेसन भी अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो चुका है। मीडियम फ्लेम पे इसे मैंने 10 से 12 मिनट तक भुना हुआ है। 10 से 12 मिनट में हमारा बेसन जो है अच्छे से भून के रेडी हो चुका है। बेसन को भूनते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो ये तले में चिपकने लगेगा और आपका बेसन जो है वो जलने लगेगा। अब इसके अंदर मैं घी ऐड करूंगी। इस तरीके से बेसन भूनने के बाद अगर आप घी ऐड करेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में घी आपका यूज होगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमने जो सूजी भुना हुआ था वो सूजी भी अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम इस समय मैंने लो करके रखा हुआ है। अब सूजी को भी हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और हमें घी का और रिक्वायरमेंट होगा तो इसके अंदर हम घी और ऐड करेंगे। पहले हम सूजी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारा सूजी और बेसन भी अच्छे से मिक्स हो चुका है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा घी और ऐड करूंगी क्योंकि हमारा मिश्रण जो है बहुत ही ड्राई लग रहा है। टोटल अभी तक मैंने इसके अंदर 3 चम्मच के करीब घी ऐड किया हुआ है। जब हमने सूजी को भुना था तब 1 चम्मच के करीब घी ऐड किया था
और बेसन के अंदर भी मैंने 2 चम्मच के करीब घी ऐड किया था। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच के करीब और घी ऐड करूंगी और घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर मैंने जो 1 चम्मच के करीब घी ऐड किया था वो घी भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस तरीके से अगर आप करें और आपका मिश्रण अच्छे से प्रेस होए और चिपका रहे तो समझिए कि आपका मिश्रण जो है लड्डू बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। उसके अंदर घी भी एकदम परफेक्ट आपने डाला हुआ है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने देंगे। बस इसे हमें हल्का सा गर्म रखना है, बाद में जब हमें लड्डू का सेट देना होगा तब। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब हमारे ये बेसन के लड्डू का मिश्रण जो है ठंडा हो चुका है। इसे मैंने हल्का सा बस गर्म रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम शुगर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो शुगर आप इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। लड्डू बनाने के पहले हमें एक प्रोसेस करना होगा जिससे हमारे लड्डू जो है बहुत ही अच्छे बनेंगे और बहुत ही अच्छे से बाइंड होंगे। अब मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर शुगर पाउडर ऐड कर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसे हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब शुगर पाउडर इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है तो हमें लड्डू का शेप देने के पहले एक प्रोसेस करना होगा। हाथों को हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे। उसके बाद हम सारे मिश्रण को इस तरीके से अपने हाथों में लेंगे और इस तरीके से करेंगे। इस तरीके से करने से क्या होगा, अगर शुगर पाउडर का कोई भी लम्स रहेगा वो हट जाएगा और हमारे जो सारे मिश्रण है वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएंगे। ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हलवाई भी ये प्रोसेस को करते हैं। आप कोई भी लड्डू बना रहे हो, सूजी का या मूंग दाल के लड्डू बना रहे हैं या बेसन के लड्डू बना रहे हैं, किसी भी चीज़ के लड्डू अगर आप बना रहे हैं तो उसे आप इस तरीके से जरूर कीजिए। इस तरीके से करने से क्या होगा, जो इसके अंदर हमने घी डाला है वो घी भी रिलीज होगा। मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में ये बेसन के लड्डू बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपके जो भी सामग्रियाँ हैं उसकी भी क्वांटिटी डबल होंगी। अब सारी सामग्रियाँ अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और उसे बाइंड करके देखेंगे कि हमारे लड्डू का शेप अच्छे से आ रहा है कि नहीं। अगर लड्डू का शेप नहीं आएगा तो हमें इसके अंदर और घी गर्म करके ऐड करना होगा। पर आप देख रहे हैं कि लड्डू का शेप जो है आ रहा है। इस बेसन लड्डू को बनाने के लिए मैंने सिर्फ 4 चम्मच घी का यूज़ किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि हमारे बेसन के लड्डू का शेप जो है बहुत ही अच्छे से आ चुका है और दानेदार भी बना हुआ है। जिस तरीके से हलवाई बना के तैयार करते हैं सेम उसी तरीके से हमारे ये बेसन का लड्डू बन के तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे।